अब देखिए गरीना को तो इंडिया में फ्री फायर को वापस लेकर आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, बट आप लोग निराश मत होइए, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम आपके लिए तीन ऐसी गेम्स लेकर आए हैं जो फ्री फायर के नियर ऑल्टरनेट जरूर है, यानी कि जब तक फ्री फायर वापस नहीं आता है आप ये गेम्स को खेल के अपना दिल बहला सकते हैं। हम लोगों ने आपके लिए इन तीन गेम्स को सॉर्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पॉपुलैरिटी एंड प्ले स्टाइल। तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स सी ये कौन सी तीन गेम्स हैं। तो शुरू करते हैं गेम नंबर वन से, दैट इज गोइंग टू बी रेडर 6। अब अगर आप लोगों के पास काफी लो एंड डिवाइसेस हैं जहां पे आप में जीबीज में नहीं कुछ एमबीज में ही स्पेस बाकी है तो दिस इज द गेम फॉर यू। 712 एमबी की रोम रिक्वायरमेंट के साथ ये गेम आ चुकी है हमारे लिस्ट पे नंबर वन पे एंड रेडर 6 में आप लोगों को। अब रेडर 6 एक एंड्रॉइड बैटल रॉयल गेम है जिसके ग्राफिक्स हम लोगों को काफी रियलिस्टिक और 3D लगे, और ऑल्दो आप लोग इस गेम को किसी भी कंट्री से खेल सकते हो बट हम लोगों को इसका काफी क्लोज रेफरेंस इंडियन ऑडियंस के लिए इंडियन एनवायरनमेंट से लगा। रेडर 6 में हम लोग अकेले खेल सकते हैं, एज अ टीम खेल सकते हैं, और साथ ही साथ ग्राफिक्स के साथ साथ डिफिकल्टी लेवल को भी काफी ज्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे, 712 एमबी की रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी में इतने तगड़े ग्राफिक्स और इतने रियलिस्टिक ग्राफिक्स अगर आपको मिलते हैं सो दिस इज डेफिनेटली अ विन-विन सिचुएशन। इस गेम को खेलने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 1.5 GB रैम, 712 एमबी रोम और साथ ही साथ एंड्रॉइड 5 या अबव चाहिए, जो कि आई सपोज आजकल सबके पास होता ही है। आज की लिस्ट में आ जाते हैं डाउन टू द गेम नंबर 2, दैट इज फारलाइट 84। अब अगर आपके फोन में एमबी से हटके जीबीज में जगह है तो आप लोग ये वाली गेम खेल सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको मिनिमम 1.1 GB की रिक्वायरमेंट है ऑफ रोम। गेम की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे मोबा के कई एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लेयर शूटिंग में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आप लोग अपने हीरोज को लेकर आ सकते हो और उनकी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो दूसरे हीरोज को कॉम्बैट करने के लिए। नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो दैट एपेक्स लेजेंड्स के लेजेंड्स को हम लोग कंबाइन कर दें फोर्टनाइट की लूटिंग के साथ, फोर्टनाइट की क्राफ्टिंग के साथ, एंड इन दोनों चीजों को अगर हम साथ में कर दें तो निकल के आती है फारलाइट 84। बट हाँ, एक चीज तो कंफर्म है दैट कंसोल जैसे ग्राफिक्स हम लोगों को 1.1 GB की रिक्वायरमेंट में मोबाइल डिवाइसेस पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज लिटरली अमेजिंग। अब स्टोरी की बात कर लेते हैं। फॉलआउट 84 में ऐसा दिखाया गया है दैट एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सिनेरियो है जहां पे ज़ॉम्बीज़ ने टेक ओवर कर लिया पूरे के पूरे वर्ल्ड को, और हम लोगों को ज़ॉम्बी से तो लड़ना ही है बल्कि अपने आप से भी लड़ना है ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें एंड एक दूसरे के कॉम्बैट इक्विपमेंट को यूज करके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। फॉलआउट 84 आपको दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे मिल जाएगी, यानी कि iOS पे भी चलेगी एंड एंड्रॉइड पे भी चलेगी, और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलआउट 84 खेलने के लिए रोम चाहिए 1.1 GB एंड रैम चाहिए 2 GB। अब चलिए चलते हैं ऑन टू द गेम नंबर 3 ऑफ ऑल इज दैट इज गोइंग टू बी बैटल प्राइम, और ये गेम उन लोगों के लिए जिनको फास्ट पेस्ड एक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। 2.1 GB के मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रोम के साथ ये गेम आपको इतना सॉलिड एक्सपीरियंस मोबाइल डिवाइस पे दे देगी दैट आपको किसी भी पीसी या कंसोल की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। इस टैक्टिकल बैटल गेम में फोकस सबसे ज्यादा हो रखा है सुपर पावरफुल हीरोज पे जिनके पास यूनिक एबिलिटीज, फॉर्मिडेबल आर्सेनल और हाई एड्रेनलिन एक्शन करने की क्षमता है। ये एक मल्टीप्लेयर शूटर गेम है जिसमें प्लेयर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट एक एरिना में छोड़ दिया जाता है जिसका अंतिम मुद्दा तो यही है दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा वो एंड में जिंदा रहेगा एंड वही जीतेगा। और इसी के साथ साथ आप 6 vs 6 मैचेस भी खेल सकते हो। बैटल प्राइम में आप खेलेंगे प्राइम के जैसे, जो एक यूनिवर्सल एवेटार है जिसके पास यूनिक एबिलिटीज है, यानी कि हल्क जैसी स्ट्रेंथ और फ्लैश जैसी स्पीड कंबाइंड। और इससे ज्यादा आपको इस गेम में कुछ करना नहीं है। मूवमेंट इन दिस गेम इज फेयरली स्टैंडर्ड, यानी कि आपको लेफ्ट थंब से अपने कैरेक्टर को हिलाना है और राइट थंब से आपको एम करना है, दिस इज इट। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कम से कम आपको एंड्रॉइड 8 चाहिए होगा, और अगर रैम की बात करें तो कम से कम आपको 4 GB रैम चाहिए होगी इस गेम का अप्रतिम आनंद लेने के लिए। So, ये थी हमारी आज की तीन गेम्स जो हमें लगा आप लोग खेल सकते हैं जब तक फ्री फायर वापस नहीं आती। अगर आपको भी लगता है दैट कुछ और भी गेम्स हैं जिसको खेलने में हम लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं और हमें खेलने में बहुत अच्छा लगेगा, सो वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग आउट एन एपिसोड 2 ऑफ द सेम लिस्ट ऑफ गेम्स। आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हो दैट ऐसी और कौन सी गेम्स हैं जो फ्री फायर को काफी अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकती हैं। बट तब तक के लिए दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, दिस इज टकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड, सीइंग यू इन द नेक्स्ट one.